ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आप लोग सरकार के लिए क्या दी हैं, आप लोग वो हैं जो भारत ने उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण कर पाए, आप लोग क्या विडम्बना है खुद अपने भविष्य की चिंतित? सर, भविष्य के लिए चिंतित हैं और समस्या ये है कि शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है और हम जो है लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए हैं हमारे लिए एक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और तन मन धन से उनको 8-8 महीने यदि मानदेय नहीं मिलता तो हमारे किसी से उधार लेके कर्जा लेके भी वो हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ते। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे परमानेंट कोई भी शिक्षक नहीं है, मात्र हमारे अतिथि शिक्षक ही की व्यवस्थाओं से वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसके बाद भी मैं तो ये कहूँगा सरकार को कि सरकार या तो बहरी है या गूंगी है या फिर उसको ये नहीं दिख रहा कि हम जिस राष्ट्र का निर्माता तैयार कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यदि उस गुरु और शिक्षक की भविष्य और उनके परिवार का ध्यान यदि सरकार नहीं रख रही तो मुझे तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ अन्याय कर रही है। स्कूल के हैं या प्राइमरी स्कूल के बात है? हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी तीनों हैं सर, मिडिल के भी हैं, प्राइमरी के भी हैं और हायर सेकेंडरी के भी हैं। मान लीजिए 72,000 पूरे मध्य प्रदेश में जो है गेस्ट टीचर हैं 72,000 वर्तमान में। सारी व्यवस्था अतिथि शिक्षक ही व्यवस्था स्कूल में देख रहे हैं। अभी पीड़ा जो है ना, अभी पीड़ा लगभग ये पीड़ा तो 72,000 अतिथियों की है सर, ऐसा कोई भी अतिथि नहीं है जिसका भविष्य सुरक्षित कर दिया हो इन लोगों। अभी निर्धारित तौर पर जो टीचर काम कर रहे हैं उनको कितना पेमेंट मिल रहा था? पहले मिल रहा था 7,000, 5,000, 9,000, लेकिन अभी माननीय तत्कालीन सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी जो घोषणा में 5,000 की जगह 10 किया था और 7 की जगह 14 किया था, डबल कर दिया था, 9 की जगह 18 कर दिया था, कुछ जिलों में 1 माह का या 2 माह का मानदेय मिला है लेकिन वो भी मानदेय अभी तक किसी अतिथि भाइयों को समय पे नहीं मिला और ना ही प्राप्त हुआ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर माह की 5 तारीख को आपको मानदेय मिल जाएगा, लेकिन जब चुनाव होने के बाद आज 5 और 6 महीना होने को जा रहा है, मानदेय आज तक प्राप्त नहीं हुआ। 12 माह का अनुबंध कहा था, 12 माह का सेवा काल कहा था मैडम। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कामना है कि जो उन्होंने 2 सितंबर को बोला था, विभागीय परीक्षा बोला, अंक देंगे एग्जाम में MPTET में, 50% गेस्ट फैकल्टी को आरक्षण दो, ये सिर्फ सैलरी दी है, उसके अलावा उन्होंने एक भी मतलब जो रूल थे वो फॉलो नहीं किया। मैं जो मतलब शासन नियम कहना है कि महिलाएं जो है वही हमारी रीढ़ कहती है, सरकार कहती है, लाडली बहना है, कि आज बहना ही क्यों भाई से प्रेरित हुई? वही तो सर, कि हम लोगों की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है, बस लाडली बहना की तरफ ध्यान है। आपसे निवेदन ये है कि आप जो टीचर लोग जो बारिश के अंदर भी कई लोग जो टीचर गाँव से ग्राम तो उसका क्या निर्णय करता है? बात तो कर रहे हैं यार, वही तो सर कि कैसे कैसे जा रहे हैं सब लोग। सर मैं तो खुद ही 8-10 साल से गेस्ट फैकल्टी हूँ, मेरा MPTET भी निकल गया, लेकिन हम लोगों को इतने कम पद दिए हैं कि मतलब वेटिंग में कर दिया सब लोग और कई लोग बाहर हो गए हैं, समायोजन की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि शिक्षक को भगवान का रूप माना जाने वाले लोग और आज शिक्षक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान आज घर घर भटक रहेंगे और इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उपस्थित हुए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर, ये लोग उपस्थित हुए कई बार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और आज तक इनकी कोई मांगों कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई तरह के वादे करे, कई तरह की कोशिशें करी, कई तरह के लड़े, मगर सारी चीज़ें निकाल रही हैं। आज तक शिक्षक भी दरवाजे पर दर भटकते फिर रहे हैं मगर कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आने वाले टाइम में अगर शिक्षा डिपार्टमेंट के साथ अगर ये खिलवाड़ होता रहा तो शिक्षा के दिन पूरे रोड पर रहेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा और ये जिंदगी के साथ, ये समझ लो इन लोगों के जीवन के साथ, बच्चों के जीवन के साथ, हर जीवन का खिलवाड़ हो रहा है। कैमरामैन वर्मा के साथ मेहबूबुद्दीन, BNB न्यूज़, मध्य प्रदेश, भोपाल।